एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अभी है जी यहाँ पे आफ्टरनून, तकरीबन यहाँ पे 6:30 होने वाले हैं। हम वापस आ गए हैं सेंट्रल लंदन से। अभी यहाँ पे हैं होन्सलो में, यहाँ पे हम जाने लगे हैं डिनर करने के लिए नैंडोस। और ये बड़ी फेमस यहाँ पे स्ट्रीट है जहाँ पे हम अक्सर खाना खाते हैं, खाने आते थे। यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स भी हैं, देसी शॉप्स भी हैं, स्वीट शॉप्स भी हैं, केक शॉप्स भी हैं। ये यहाँ पे है बस स्टेशन जहाँ पे आके बसेस खड़ी होती हैं, वो देखें निराला स्वीट। अभी यहाँ पे डिनर करेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं घर चलते हैं या फिर कहीं जाते हैं। वेरी बिजी ही है, तो काफ़ी बिजी है। पहुँचेंगे अभी यहाँ पे, अपना ऑर्डर देंगे और फिर बच्चों को भी काफ़ी भूख लगी हुई है। थैंक यू। हमने खाना खा लिया, अब जा रहे हैं वापस। फ्लेवर्स ऑफ इंडिया हैदराबाद टेस्ट। ये इतना पुराना रेस्टोरेंट है, सदियों पुराना। केक बॉक्स बंद हो गए। केक बॉक्स, यहाँ के फिफ्थ बर्थडे का केक यहाँ से बनवाया था। केक बॉक्स और फिफ्थ बर्थडे केक, डोरी बर्थडे वन। अभी हम जा रहे हैं जी निराला स्वीट। यहाँ से मेरा दिल चाह रहा था गुलाब जामुन खाने के लिए, काफ़ी दिनों से मीठा नहीं खाया, आज क्रेविंग हो रही है कि खाया जाए कुछ भी। कमा ये यहाँ पे सारे गुलाब जामुन मुख्तलिफ तरह के, छोटे पिंक वाले भी, ये हलवा वगैरह, जलेबी। अच्छा जी, डिनर हमने कर लिया था और निराला से हमने ली थी पंजीरी और गुलाब जामुन लिए थे जो क्रीम वाले होते हैं विद खोया फिलिंग के साथ। और अभी हम लोग आ गए हैं इधर मस्जिद में, यहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद फिर बच्चे काफ़ी थके हुए थे तो फिर हमने सोचा घर चलते हैं। डे अभी हम जा रहे हैं घर वापस और अभी थोड़ी देर यहाँ पे ब्रेक करेंगे, बच्चे टॉयलेट वगैरह यूज़ कर लेंगे, कुछ खा पी भी लेंगे, रुकेंगे। ब्रेक ली है, बच्चे कुछ खाएंगे। यहाँ पे सबवे भी है और KFC है, बर्गर किंग है, मैकडोनल्ड नहीं है लेकिन देखते हैं बर्गर किंग बच्चे खाते हैं या फिर KFC खाते हैं। WSmith भी है, पहले टॉयलेट जाते हैं। वेट्रोज भी है, कर लिए और अभी देखते हैं यहाँ से क्या खाते हैं। इन्हें के लिए KFC से ले लिए हैं फ्राइज और बच्चे बर्गर किंग ट्राई करेंगे। बाहर उन्होंने प्ले एरिया भी छोटा सा बनाया है, अगर आप बाहर बैठना चाहते हैं। कम ऑन, दिस फॉर यू। ये है कोल्ड ड्रिंक ओरियो शेक काइंड ऑफ, उन्होंने आइसक्रीम बनाई हुई है। चलिए जी, अब हम जा रहे हैं वापस गाड़ी में। अभी हमारा आधा सफ़र जो है वो रहता है इधर और आज सनी डे नहीं है। कभी कभी सनी स्पेल्स जाते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन मोस्टली जो है वो थोड़ी सी ठंडी है आज। लुक आया जी, देयर इज वन वाइट लाइन इन आया साइड, बेटा जी से वाइट। हॉलीडे से तो वापस हम लोग आ गए थे और उस दिन तो कुछ भी नहीं किया था, बस खाना मैंने बनाया था आके।
और फिर बस रेस्ट किया था क्योंकि नींद ही पूरी हो रही थी काफ़ी दिनों से। और आज मैंने सोचा चले अनपैकिंग करते हैं। नेक्स्ट डे अनपैकिंग की और साथ साथ जो है वो लॉन्ड्री भी चल रही थी। कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए थे तो मैंने सोचा डिले नहीं करते, साथ साथ ही वॉश करते जाते हैं। और जो अभी साफ़ कपड़े थे वो मैंने निकाल के कबर्स में दोबारा से हैंग कर दिए थे। गए हुए थे अज़ा, अभी सारी ग्रॉसरी करके वापस आ गए। वीकली ग्रॉसरी जो करनी होती है वो, और हॉलीडेज़ पे जाने से पहले भी आई थिंक एक वीक पहले हमने की थी ग्रॉसरी, उसके बाद फिर चले गए हॉलीडेज़ पे। अभी सारी ग्रॉसरी माशाल्लाह से कर ली, अभी उसको वापस रखते हैं। हरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और ये सैलड लीव्स हैं जिसमें आइसबर्ग और लेटस लीव्स हैं, और इसके अलावा ये है पालक, इसके हमने दो बैग्स लिए थे। क्यूकम्बर्स हैं तीन, अनियंस हैं ब्राउन अनियंस, उसके अलावा ये है बैंगन एक, पोटैटोस और एप्पल्स के दो बैग्स हैं, टमाटोज के दो बैग्स हैं, फ्रूट्स में ग्रेप्स हैं, कीवी और स्ट्रॉबेरी। ये है सारा फ्रोजन स्टफ़ जिसमें है क्रिस्पी बटर, फिश फिंगर्स हैं, जिंजर एंड गार्लिक क्यूब्स हैं, इसके अलावा थ्री चीज़ पिज़्ज़ा है, इसके ऊपर थ्री डिफरेंट टॉपिंग्स होती हैं चीज़ की, और थ्री डिफरेंट चीज़ की टॉपिंग है। इसके अलावा टमाटो एंड चीज़ पिज़्ज़ा है जो रेगुलर वाला होता है। इसके अलावा वेजिटेबल समोसाज हैं, और इसके एक बैग के अंदर होते हैं 20 समोसा, शेज़ान के हैं ये। इसके अलावा मैकेन के हैं ये होम कट चिप्स, और इसके अलावा कुल्फी आइसक्रीम है, कार्नेटो है, कॉड फिलेट्स हैं, फ्रोजन फिश, और इसके अलावा वीटाबिक्स माइल्ड चेडर चीज़ है, और इसके अलावा ये है डेरी मिल्क चॉकलेट, डेरी मिल्क है ये चॉकलेट फ्लेवर मिल्क है, इसके अलावा चॉकलेट फ्लेवर ओट मिल्क, इसके भी दो हैं। किंडर है बच्चों के लिए डेरी मिल्क मिनी वाले हैं, ये भी ये चॉकलेट ओट मिल्क है। इसके अलावा ये चॉकलेट है आइसक्रीम, कार्नेटो थी, कुल्फी आइसक्रीम है, विस्पा की 9 बार्स हैं छोटी वाली, मिक्स वेजिटेबल्स हैं फ्रोजन में, हॉबनॉब बिस्किट्स हैं, लॉट्स ऑफ ओरियोस, बूरबन, और इसके अलावा ये कुछ क्रिस्प हैं बच्चों के, प्रिंगल्स हैं, शॉर्ट ब्रेड, हुला हूप्स ब्रेड, सिर्फ ब्रेड में हमने सिर्फ ये बंस लिए, पेरी कप केक्स हैं, और इसके अलावा ये है जो फ्रूट केक्स, इसके दो हैं कप, ये हैं केक रस्क हैं, और इसके अलावा ये है ड्रिंक केक बेजिल सीड के साथ, ये ब्रेगल की ही है ये ली है। और इसके अलावा हमें चाहिए थे शैम्पूस, ये मेंस के लिए है, और ये वाला शैम्पू जो है ये मैं यूज़ करती हूँ, हेड एंड शोल्डर का है विद आर्गन एंड ऑलिव ऑयल के साथ। कंडीशनर अभी था मेरे पास, बच्चों के लिए बबल बाथ चाहिए था वो है, ये पेस्ट है इनाया और रोहान की, और इस दफ़ा हमने एक्वा फ्रेश के लिए। इसके अलावा ये सेंट बूस्टर है फेरी का, रिनोर का है ये, और लॉन्ड्री पॉट्स हैं डेस्क के, हैंड वॉश है, और ये है वॉशिंग डिशेस जो है फेरी का, ये नया आया है। इसमें वहाँ पे तीन चार किस्म के थे, मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा था लाइम के साथ और जिंजर सेंट के साथ। सो ये इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये है ज़ीरो वेस्ट, और आप इसको इस तरह से रखते जितना आपको चाहिए उतना ही निकलता है, एंटी लीक टेक्नोलॉजी के साथ है ये, और इसमें तीन चार वहाँ पे थे, मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा। इसके अलावा बाथरूम क्लीनर है फ्लैश का लिया है, डीप क्लीन हाइजीन, और इसके अलावा ये भी बाथरूम क्लीनर है डक का, समर ट्रॉपिकल समर वाला। एग्स हैं, ये सारे किचन टावल्स हैं, टिश्यू बॉक्सेस हैं, किचन स्पंजेस और स्पंज क्लॉथ्स हैं, और इसके अलावा शावर कर्टन चाहिए थे ये लिए हैं दो। दरअसल पाए तो देसी घी हम ये वाला यूज़ करते हैं, केटीसी का, ये बड़ा अच्छा होता है, मेडिसिन है, और इसके अलावा जैम है, जिंजर पेस्ट है, गार्लिक पेस्ट है, गरम मसाला है, हल्दी है, और चिकपी के पीस के दो कैंस लिए थे वो है, दूध है, और लॉन्ग लाइफ मिल्क है। दरअसल और इसके अलावा इनाया और उसके बाबा ने मेरे लिए ये बुके लिया था, और कलर आई थिंक इनाया ने चूज़ किया था, मैं दूसरी साइड पर उस टाइम शॉपिंग कर रही थी। सो इसको अभी पानी में रख दूँगी, और अभी मुझे साथ साथ खाना भी बनाना था। है जी ये पानी की बॉटल्स, उस दिन हमारा सनफ्लावर जो है वो टूट गया था, और ये एक वाइट रोज ये भी टूट गया, ये मंगोलियन पता नहीं इसको बोलते हैं, वो फ्लावर भी था वो भी गिर गया था। तो इसको इस तरह से हमने फिर तीनों को पानी के अंदर इस तरह से रख दिया ताकि अच्छे भी लगें, ऐसे देखने में ज़ाया भी नहीं हो, और वैसे भी फ्रेश भी रहेंगे काफ़ी दिनों तक। जी कुछ ग्रॉसरी जो है वो देसी शॉप से आई है, चौंसा आम है, ये वाले पहले नहीं आए हुए, पहले वाले येलो बॉक्स होता है, इसको भी खोल के देखते हैं इसकी शक्ल कैसी है अंदर से।
ये है, देखने में तो मज़े के लग रहे हैं, अब खाएंगे तो पता चलेगा। चौंसा आम है ये, और आई थिंक ये पाकिस्तान से ही आए होंगे। सो ये है जी कुछ ग्रॉसरी देसी शॉप से आती है। और इसके अलावा कल मेरे हस्बैंड के दोस्त भी आ रहे हैं, तो नान हमें चाहिए थे, और हस्बैंड ने ज़्यादा जो है वो एक्स्ट्रा ले लिए हैं। 3 पैकेट्स नान के हैं, और पाक फूड से ये वाले नान जो होते हैं ये बड़े मज़े के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, काफ़ी थिक भी होते हैं तो सॉफ्ट रहते हैं काफ़ी देर तक। धनिया है और सब्ज़ मिर्चें हैं। ये हैं जी कैशियो कुकीज़ रैगल की, और इसके अलावा ये पिस्टैचोस कुकीज़ हैं, ये भी रैगल की ही हैं। चिकन ड्रम स्टिक्स चाहिए थी क्योंकि रोहान काफ़ी शौक से खाता है, तो मैं इसको वॉश करके पैकेट्स बना के रख देती हूँ 4-4 ड्रम स्टिक्स के, और फिर उसको मैं निकाल के जो है वो मैरिनेट कर देती हूँ उसके लिए डेली फ्रेश। और इसके अलावा चिकन है, होल चिकन, और ये हमें मिला 10 पाउंड 28 पेन के, आई थिंक 2 चिकन है, और ये 2 kg जो है वो ड्रम स्टिक्स हैं। सो ये है जी थोड़ी सी देसी ग्रॉसरी, साथ साथ खाना भी बन रहा है। तो यहाँ पे जी नेक्स्ट डे की साथ साथ तैयारी चल रही है। गोश्त मैंने एक दिन पहले ही गला लिया था, और बच्चों के लिए दाल चावल बनाए थे, साथ में वाइट ज़ीरा राइस थे। इसके अलावा नेक्स्ट डे के लिए मुझे पालक गोश्त बनाना था, आलू गोश्त बनाना था, और इसके अलावा चिकन ड्रम स्टिक्स को भी मैंने मैरिनेट एक दिन पहले ही करके रख दिया था। सो नेक्स्ट डे बस मैं राइस बना लूँगी, और या तो साथ में एक चिकन का सालन बना लूँगी, लेट्स सी। लेकिन एक दिन पहले मैंने चिकन ड्रम स्टिक को मैरिनेट करके रख दिया था, साथ में पालक गोश्त बना लिया था, आलू गोश्त बना लिया था, और फिर नेक्स्ट डे जो है वो मुझे अभी डिसाइड करना था कि मुझे क्या बनाना है, लैम्ब चॉप वाला पुलाव बनाना है या फिर चिकन बिरयानी। सो लेट्स सी अभी देखते हैं क्या। इसके अलावा B&M हम गए थे अज़ा के बाद, और वहाँ से बाथरूम के लिए कुछ मैट्स लिए थे। एक तो ये 2 पीस वाला है जिसमें ये पेडिस्टल मैट है, और इसके अलावा बाथ मैट है साथ में एक, और इसमें 2 कलर्स वहाँ पे अवेलेबल थे, एक ये वाला था बेज कलर, और इसके अलावा एक ग्रे था। ये सिग्नेचर 2 पीस सेट है बाथ मैट, उसकी विड्थ आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसके अलावा ये है सुपर सॉफ्ट एंड अब्जॉर्बेंट। ये अच्छा लगा था हमें, एक तो जो नीचे रबड़ लगी होती है ना वो हॉरिबल होता है, क्योंकि उसकी रबड़ जो है ना वो जैसे कुछ मैट्स होते हैं बाथ मैट्स होते हैं उनके ये जो बॉटम होती है वहाँ पे रबड़ लगी होती है, वो कुछ देर तो चल जाते हैं लेकिन जब आप उसको वॉश करते हैं ना वॉशिंग मशीन में तो वो उतरना शुरू हो जाती है। वैसे भी शायद जब अगर गीला मैट हो तो वो चिपक भी जाता है नीचे, लेकिन ये वाला जो है ना इस तरह के अच्छे रहते हैं जिनके नीचे फैब्रिक ही हो या फिर कुछ और मटीरियल हो, रबड़ नहीं हो। सो ये हमें अच्छा लगा था, थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, लेकिन ये है कि ये कॉटन 100% कॉटन है, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है ये थिक भी है, ये चिपकेगा नहीं, अब नीचे साथ नहीं जुड़ेगा, इसकी रबर जो है ना वो तंग नहीं करेगी, और मशीन वॉशेबल है जो कि सबसे अच्छी बात है, आराम से आप मशीन में वॉश कर सकते हैं। और ये हमें मिला था 12 पाउंड में, और इसके अलावा हमने इसी कलर में ही, थोड़ा सा डिफरेंट कलर है लेकिन ये बात रनर है, और ये उस दिन स्पेशल ऑफ़र भी थी उनकी, पहले ये 9 पाउंड का था लेकिन स्पेशल बाय में ये हमें मिला है 4 पाउंड में बात रनर, ये अच्छा कलर था, 100% कॉटन है ये वाला भी। तो ये हमने 2 लिए थे, उसके अलावा एक मैंने बड़ी अच्छी जो है वो बास्केट आप उसको बोलें या फिर फ्रूट बास्केट बोलें या स्टोरेज बोलें, ये है बेरी बास्केट कंटेनर, ये मुझे मिला था वहाँ से 4 पाउंड में। इसमें आप बेरीज वगैरह वॉश करके रख सकते हैं और जो भी एक्स्ट्रा उनका पानी वगैरह होगा। ये बेसिकली फ्रिज ऑर्गेनाइजर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ऑप्शंस थे B&M में, और वो वाला B&M जो है ना वो काफ़ी बड़ा भी है, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी चीज़ें पसंद आई थी। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं लूँगी, अभी फ़िलहाल ये ली है। इसके अलावा मैंने B&M से काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्रिज ऑर्गेनाइजर्स और बास्केट्स वगैरह किचन के लिए ली हुई हैं, तो जब भी मैं जाती हूँ वहाँ से जो मुझे अच्छा लगता है फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता कलेक्ट करती रहती हूँ। तो इस बार मुझे ये वाली फ्रिज ऑर्गेनाइज़र भी है, इसके अंदर आप बेरीज वगैरह वॉश करके रख सकते हैं, जिसके साथ आपको मिले हैं 2 रिमूवेबल बास्केट्स हैं, आप इसके अंदर बेरीज वॉश करके रख दें सेपरेटली और एक्स्ट्रा पानी यहाँ पे नीचे आ जाएगा कंटेनर में। इसके अलावा इसका ऊपर लिड भी है और BPA फ्री है ये, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लग गया था, वहाँ पर लगी थी ये। सो ये बास्केट एक ली है, और इसके अलावा टाइम कम था नहीं तो मुझे काफ़ी चीज़ें वहाँ पर पसंद आ रही थी। इसके अलावा ये कुछ बल्ब चाहिए थे घर के लिए, और ये रोहान के लेटर की हमने दी है वाटर बॉटल, बच्चों के लिए वाटर बॉटल अभी मुझे बाय करनी है स्कूल के लिए भी, तो मैंने वॉश कर लिया। अब इस तरह से एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर चला जाएगा, और कवर भी साथ ही इसके जो है वो ये कवर भी देंगे। चले जी फ्लावर्स भी यहाँ पे मैंने सेट कर दिए थे वास के अंदर, और यहाँ पे अभी साथ साथ जो है वो दावत की तैयारी चल रही है। आज गेस्ट आने थे, मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं लंदन से,
तो खाना बन रहा है यहाँ पे। अचार गोश्त मैंने बनाया था लेकिन चिकन के साथ बनाया था। इसके अलावा मैंने पालक गोश्त बनाया था, आलू गोश्त बनाया था और साथ में जो है राइस थे। इसके अलावा मिक्स खीर यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ, खीर मिक्स मिक्स खीर, तो ये बहुत मज़े की बनी थी। और जी इसके अलावा शामी कबाब थे चिकन के साथ में, चिकन ड्रम स्टिक थी जो कि मैंने एयर फ्रायर में बनाई थी। और यहाँ पर देखे थी अचार गोश्त जो है वो रेडी हो गया है, बस इसको मैं कवर करके रख दूँगी। पे जी खीर भी रेडी हो गई है और गार्निश मैंने इसको बादाम के साथ कर दिया है। कवर करके अभी इसको रख दूँगी फ्रिज के अंदर ताकि खाने तक जो है ये यख ठंडी हो जाए। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हीट वेव है आजकल, तो अभी इसको फ्रिज में रख दूँगी। अभी 3-4 घंटे हैं खाने में, तो तब तक इंशाल्लाह ये काफ़ी ठंडी हो जाएगी। हमें आज तबरुक भी आया है और जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए थे उनके आगे से फ्रेंड थे वो आई थिंक उमरा पे गए हुए थे, तो वहाँ से लेके आए ये तबरुक। इसमें अजवा खजूरें भी हैं और ये बड़ी वाली भी हैं, साथ में आबे जमजम है। बड़ा अच्छा लगता है कोई भी हज या उमरा पे जाए तो वहाँ से कोई चीज़ आए तबरुक की या फिर कुछ भी आए तो बड़ा अच्छा लगता है। सोहैब मेरे हस्बैंड को जानते नहीं थे लेकिन मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे आगे से, लेकिन बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने फिर भी जो है ये हमारे लिए लेके आए हैं। अभी इसको खाते हैं नमाज पढ़ के। चलिए दी यहाँ तक था आज का व्लॉग, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।